बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां एक घर में छिपे आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। अनंतनाग के डलगाम में घर के अंदर दो आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकी स्थानीय नागरिकों को ढाल बना रहे हैं। इसी फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लगी है, जिसकी मौत होने की खबर है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां एक घर में छिपे आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज संवाददाता, जरा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और इस घर में कितने लोग छिपे हुए हैं? जो आम नागरिक हैं वो कुल कितने हैं इस घर में? अमानदार, देखिए, पुलिस की तरफ से जो जानकारी हमें दी गई उसमें कहा गया है कि अनंतनाग के दयाल गांव के भिनी गांव में एक मकान में दो या तीन लश्कर के मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, के खिलाफ आज सुबह तड़के यहाँ पे एक तलाशी अभियान चलाया गया। जब सुरक्षा बल इस घर की तरफ बढ़े तो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद इस पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई। माना यही जा रहा है कि इस घर में लश्कर के अनंतनाग के कमांडर जो है बशीर लश्करी और उसके दो साथी छुपे हुए हैं। बशीर लश्करी पर 16 मई को SHO अच्छाबल और 5 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है, क्योंकि वही इसको मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सुरक्षा बलों पर लोगों ने पत्थरबाजी की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 6 आम नागरिक जख्मी हुए, जिनमें से एक महिला 42 साल की ताहिरा, उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है, जबकि मुठभेड़ अब भी जारी है। दोनों ओर से यहाँ पे जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में इस बात से अड़चन आई हुई है कि जिस घर में मिलिटेंट छुपे हुए हैं उसमें 5 से 6 आम नागरिक फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने का काम चल रहा है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट हैं वो उन 6 आम नागरिकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा बलों को इस घर से दूर रखा जाए। फिलहाल दोनों ओर से यहाँ पे गोलीबारी भी हो रही है, विरोध प्रदर्शन भी जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें हो रही है। साथ ही झड़पें ना फैले इसलिए पूरे अनंतनाग जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सभी स्कूल कॉलेज को आज दिन के लिए बंद कर दिया गया है और घटना के बाद से पूरे अनंतनाग में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका असर यहाँ से गुजरने वाली अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ सकता है। अमांद्रा जी, आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा आपका फिर से रुख करेंगे। तो मुठभेड़ इस वक्त जारी है, जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, घेराबंदी कर दी गई है इस घर की, लेकिन लोगों में काफी गुस्सा है, पत्थरबाजी कर रहे हैं सुरक्षा बलों पर। जैसे ही कोई अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकियों को घेर लिया है सुरक्षा बलों ने। ये एक घर में घुसे हुए हैं, इन्हें सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। लश्कर कमांडर बशीर लश्करी को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने, आम नागरिक जो इस घर में रहते थे, इन आतंकियों ने इन्हें ढाल बनाया हुआ है, जिससे कि अड़चन आ रही है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में। लश्कर कमांडर बशीर लश्करी को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। बशीर लश्करी 5 पुलिस वालों की हत्या में शामिल था और अब ये घिर चुका है सुरक्षा बलों से पूरी तरह से। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।